हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग का जो मोटिव रहेगा, तो आज हम लेके आए एक वायरलेस माइक लो बजट में, जिनका बजट नहीं है लो बजट वायरलेस माइक, जैसे कि मैं भी लेके आया हूँ। तो उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और उसका रिव्यू देंगे, कैसी आवाज़ है, कैसा है। तो अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं अपनी डायरेक्ट फ़ोन, यानी कि डायरेक्ट फ़ोन से ही हो रही है, माइक फ़ोन का ही चल रहा है। तो अभी मैं केट वायरलेस माइक प्लग इन करता हूँ अपने फ़ोन में और आपको दिखाता हूँ कैसा उसका साउंड, और पूरा व्लॉग उसी माइक से शूट होगा। तो आप खुद जज कर लेना कि ये लो बजट का माइक कैसा है और अच्छा भी है नहीं है, तो उसके हिसाब से आप लेना। तो ये मैंने केट का माइक लिया है, तो करते हैं इसको इनपुट। चलो तो भाई साहब, ये केट का माइक लेके आए थे बाजार से कल, और आज इसका रिव्यू देंगे व्लॉग में ही, और व्लॉग में ही पता लग जाएगा। तो ये केट का माइक, ज़्यादा समय ना लेते हैं, इसको अनबॉक्सिंग कर दिया है। और भाई साहब, इसमें आपको तो पता ही होगा, बहुत बार देख लिया होगा, ये कॉलर पे लगता है इनपुट, यानी कि ये है माइक इसका, और ये इसके साथ में मिल जाता है एक एप्पल का स्पॉट, और ये है प्लग इन करने का जो आपके फ़ोन में लगेगा, सी टाइप रहता है भाई, ये देख लो। अब इसको हम प्लग करते हैं, और इसमें ये यहाँ पर है इसका डाटा केबल है चार्जर का। तो अभी हम इसको प्लग करते हैं और व्लॉग के साथ साथ शूट करके बताइए कैसी आवाज़ कैसी मिलती है, तो आप खुद जज कर लेना भाई साहब। तो आइए अभी करते हैं हम इसका सेटअप। तो इसको तो डालते हैं हम भैया यहाँ पे, और ये इसका ऑन ऑफ है यहाँ नीचे कर भाई कैमरा, ये इसका ऑन ऑफ है, यहाँ से मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ये देख लो। तो ये ऑन हो गया है और यहाँ पर ग्रीन लाइट जल चुकी है, और जो स्पॉट है इसको करते हैं प्लग इन फोन में। तो ये मैंने कर दिया है भाई, ये मैंने प्लग इन कर दिया है, और जैसे ही ये ग्रीन बत्ती लगातार जल रही है तो ये कनेक्ट हो चुका है, ये देख लो भाई साहब। भाई यहाँ कौन दे, ये देख लो। तो अभी मैं इसको एडजस्ट करता हूँ अपनी टी शर्ट पे, इतनी ही हाइट पे, लेंथ पे ही। तो अभी हमारा व्लॉग चालू है अभी इससे, है ना। तो भाई हमारा वायरलेस माइक केट का प्लग इन हो चुका है, अब हम करते हैं इससे वीडियो शूट। और हम ऐसी लोकेशन पर आए हैं जहाँ पे हरियाली और शांत माहौल है, लोकेशन पर पहुँचे हैं बिल्कुल शांत स्वभाव में, ताकि आपको पता लग जाए आवाज़ की क्लियरिटी क्या। तो अभी हम बाग में चलते हैं और बाग में भी दिखाते हैं आपको क्या क्या लगा है भाई। तो भाई साहब ये देख लो, मेरे पीछे आम के पेड़ है, और आम के पेड़ पे यहाँ पे कुछ दिख रहा है नहीं है, तो इस बार कम है भाई आम। तो ये देख लो, अभी मैं लेके चलता हूँ अंदर। ये भी मेरे गांव से कुछ दूरी पर फैक्ट्री पे ही है, ये मेरे गांव लगा ही बाग है, और काफ़ी पुराना बाग है भाई साहब, और ये भी एक हॉन्टेड की तरह ही लगते हैं सारे बाग, ये देख लो। तो भी एक केट से ही रिकॉर्ड होगा पूरा सूट वो लोग। अगर आपको इसकी आवाज़ अच्छी लगती है और लो बजट, यानी कि आपका बजट नहीं है भी माइक लेने का, तो इसे ले सकते हैं आवाज़ सुनने के। मैं कोई जज नहीं करूँगा आवाज़, खुद ही चेक कर लेना भाई, वो लोग को देखते हैं कैसी आवाज़ आ रही है कैसी नहीं है भाई साहब। तो यहाँ भाई मेरे सामने एक नाशपाती का पेड़, ये देख लो, इसको बोलते हैं वाइट एप्पल भी, और इस पर लग रही है छोटी छोटी एप्पल्स वगैरह, ये देख लो नाशपाती, जो भी सबसे पौष्टिक फल रहता है ये नाशपाती, अभी भी छोटी है और ये एक दो महीने में पक जाएगी। और ये लग रहे हैं इधर आम, ये देख लो भाई साहब पेड़ पर आम लगे हैं, अभी छोटे छोटे हैं, ये देख लो भाई सुंदर आम। अभी कुछ आम इन्होंने इकट्ठे भी, और नीचे भी आम बहुत सारे पड़े हैं, जैसे कि ये हैं, ये हैं, और ये हैं, जो भी हवा से या तेज तूफान से, और कुछ आम का ढेर यहाँ पे भी लगा है, यानी कि बहुत सारे आम ऐसे ही पड़े हैं बिखरे चारों तरफ, ये देख लो भाई। तो भाई पहले की अपेक्षा जो बाग में जितने ज़्यादा आम आते थे, अब इतने आम नहीं आ रहे हैं, और हो सकता है इस बार आम बहुत महंगे बिके बाज़ार में, जैसे कि पैदावार को देखते हैं। मैंने भी काफ़ी बाग देख लिए हैं, तो आम काफ़ी ही कम लग रहे हैं भाई साहब, ये देख लो। और एक बार और ख़ास बता दो, आम की जो क्वांटिटी है, पहले आम बड़े रहते थे, तो जैसे जैसे आगे का टाइम गुजरता जा रहा है, आम छोटे छोटे होते जा रहे हैं भाई साहब, जो आम का साइज़ है वो बहुत ही छोटा छोटा होता जा रहा है, ये देख लो आम का साइज़ छोटा है भाई साहब।
और पेड़ लदर पदर रहते हैं, पूरे फल लगते हैं भाई। इस बार मौसम के अकॉर्डिंग नहीं कुछ भी ऐसे ही आम नहीं है भाई जो होने चाहिए थे आम। और ये देख लो यहाँ पे क्या मस्त नज़ारा है आम का, आम के बागों का। और मैं ज़्यादा लाउड भी नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब, थोड़ा नॉर्मली बात कर रहा हूँ ताकि आपको माइक की वैल्यू पता चल जाए केट की, और आपको अच्छा लगे तो आप मंगा भी सकते हैं और नहीं भी मंगा सकते हैं। आपका बजट होगा तो आप हैवी मंगा लेना, नहीं है बस स्टार्टिंग की आपने व्लॉगिंग तो इसी माइक से व्लॉगिंग कर सकते हैं भाई साहब। तो मेरा आज फर्स्ट टाइम है केट से, कल लिया था, आज मैं इसका रिव्यू दे रहा हूँ आपको व्लॉग के साथ साथ। नो खिचड़ी, ओनली ओनली रिव्यू केट का सीधे सीधे, ये देख लो। तो भी अभी आगे बने रहे मेरे व्लॉग में, मैं डिस्टेंस भी दिखाऊँ। और यहाँ भी बहुत सारे आम नीचे पड़े हैं भाई साहब, ये देख लो। कितने आम नीचे डल रखे हैं भाई, ये देख लो भाई साहब। और कितने प्यारे प्यारे सुंदर आम भी नीचे नीचे भी लग रहे हैं, ये देख लो, ये देख लो भाई प्यारा सा आम। तो भाई इसकी रखवाली देते हैं जो मजदूर, उनसे भी बात करते हैं तो भाई बताते हैं क्या रहेगा भाई, रात को कितना डेंजर रहता है। पूरे 24 घंटे रात को उस इंसान अकेले जंगल में रखवाली करना बड़ा ही महारत काम है। और कभी कभी हमारे इधर शेर गुलदार भी आ जाते हैं भाई, तो उनसे भी बच के रहना पड़ता है भाई। और भूतों का तो कोई जवाब ही नहीं भाई इस टाइम है। तो भी चलता हूँ मैं लेके जो भाई रखवाली देते हैं इधर, और उनसे बात करने खास मोटी यही माइक की, एक अकेला माइक है क्या दोनों की आवाज़ रिकॉर्ड कर सकता है अच्छे से, वो भी हम बात करते हैं भाई आज। तो भाई साहब ये जो है मेरे साथ में ये बाघ की रखवाली करते हैं, तो भाई साहब से क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीजान है भाई साहब। तो भाई का नाम है अलीजान, तो एक बार बता दूँ भाई साहब की जो टोन है बहुत ही कम आ रही है, तो माइक उसी के हिसाब से रिकॉर्ड करेगा, तो जज कर लेना कैसा है। तो अली भाई कहाँ से हो आप? मैं भाई साहब बोक्का रेडी से हूँ, मुजफ्फरनगर में। बोक्का रेडी से? तो बोक्का रेडी से है भाई। हाँ। और इतनी दूर का सफर कैसे? बोक्का रेडी मुजफ्फर जिले में ना। हाँ। और यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं आप रखवाली की? हाँ। कितने बंदे हैं? हम यहाँ 20-25 बंदे हैं। 20-25 बंदे हैं? हाँ। ओके, तो 20-25 बंदे हैं, 20-25 बंदे हैं रखवाली करते हैं। यहाँ पे मैं अकेले रहता हूँ और बाघ है ना। अच्छा अच्छा, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कितने बंदे रहते हैं? यहाँ पे 2 बंदे रहते हैं। तो दिन रात? दिन में 1 बंदा, रात को 2 बंदे। तो रात में कौन आपकी ड्यूटी लगती है? रात को मेरी ड्यूटी लगती है। अच्छा, तो खाना पीना सब ठेकेदार के सिर होता है। अच्छा, सब मालिक यहीं पे पचाता। हाँ। है तो रात को क्या क्या समस्या झेलनी पड़ती है भाई यहाँ पे? डर नहीं लगता? ना भाई साहब डर नहीं लगता, मामा आदत हो गई, मामा 15 साल हो गया तब तक। तो आदत डर भाई भूत वगैरह ये सब चीजें बाघ में कभी दिखाई दिया इस टाइप का? आज लो तो हमें कोई दिखाई दे नहीं भाई, कभी कोई हवा चिल्लाने के बाद ऐसा भूत या बाघ रहते हैं? ना ना भाई साहब। तो मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कि अभी फिलहाल गर्मी भी हो रही है, रात को भाई मच्छर वगैरह भी काफी लगते होंगे, तो बिना मच्छर लगे भी ऐसे सो जाते हो? हाँ। तो कहाँ पे सोते हैं आप? ये सामने कोठा है। अच्छा भाई, उधर जो कोठा है उसमें सोते हैं ना दोनों? हाँ। बंदे हैं। हाँ। अच्छा, तो कोई जानवर मिला है रात को? आता है बाघ में कुछ जानवर? रात को जानवर नील गए बहुत आ गए यहाँ से यार भाई, एक जंगली उसे मैंने देखा नहीं, आज लड़नी बहुत बताया को एक जंगली है 1.5-2 घंटा लगा यहाँ। जंगली क्या मतलब? जंगली जो चूड़ो के यहाँ होता है। अच्छा, जंगली सुअर? जंगली हाँ, सुअर। हाँ। तो 1.5 क्विंटल का हत्ता है? हाँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बहुत सी फिर उसका डर सा लगता कभी आ जा रहा। तो कितनी सैलरी मिलती भाई यहाँ? हमें यहाँ हमारी 14-15 हज़ार रुपये महीना सैलरी भाई साहब। 14-15 हज़ार रुपये खाना मालिक का है? खाना मालिक। और रिस्क इनका अलग से है, मच्छरों में पड़ते हैं भाई पूरी रात यहाँ पे, और पैरा भी देते हैं लील गाय वगैरह का। तो भी हम डिस्टेंस चेक करके बताएंगे, और डिस्टेंस के साथ साथ हम ये भी चेक कर लेना कि साउंड कितनी दूरी पर कितना रहेगा। तो भाई चलते हैं। तो अभी हम डिस्टेंस चेक करेंगे केट माइक की, कितनी डिस्टेंस पे कैसी आवाज़ रहती है। तो भाई आप फ़ोन लेके यहीं पे खड़े रहना, और मैं दूरी बढ़ाता रहूँगा और लगातार बोलता रहूँगा। तो जैसे कि हम इस बाग में आए हैं, और ये है आम का बाग, और आम के बाग का मैंने रिव्यू भी दिया है आपको, चारों तरफ आम के पेड़ लगे हैं। तो ये देख लो भाई साहब, 1 से 10 यानी कि मैं लगभग 30
मीटर की दूरी पे आ चुका हूँ, और 30 मीटर की दूरी पे कितनी आवाज रिकॉर्ड कर रही है ये सब आप जज कर लेना। मैं पीछे बढ़ता ही जा रहा हूँ और लगातार बढ़ता ही रहूँगा, तो देखते हैं केट की डिस्टेंस और रिकॉर्डिंग करने की क्वालिटी कितनी रहती है। तो भाई मैं बता दूंगा आपको, फाइनल एक खाट पड़ी है चारपाई और पीछे भी पड़ी है, तो भी लगभग काफ़ी डिस्टेंस हो गया वायरलेस के बीच में, तो वो भी कंडीशन हम जज कर लेंगे। अगर मेरे हिसाब से इतनी डिस्टेंस के बीच लगभग हो गया होगा 30, हाँ मेरे हिसाब से हो गया होगा 40 फीट के आसपास। अगर 40-50 फीट के आसपास पे भी आवाज़ अच्छी रिकॉर्ड करता है तो भाई माइक आप लो। बाकी तो अभी मेरा भी फर्स्ट व्लॉगिंग है, मैं भी आज चेक ही कर लूँगा इस माइक से। अब मैं धीरे धीरे वापस जा रहा हूँ कैमरे की साइड, और भी देखते हैं कैसी आवाज़ शूट कर रहा है। तो भाई ये हमारा पर्पस था केट वायरलेस माइक और डायरेक्ट व्लॉगिंग के साथ में ऑडियो, ऐसे नहीं है कि भाई ये कट कर दिया वो कट कर दिया, कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट व्लॉग हमारा केट से ही यूज़ पूरा प्रॉपरली बन रहा है भाई, केट से ही। तो भाई आपका दोस्त सौरभ जुड्डा ऐसे ही आपकी हेल्पफुल के लिए, और जो भी नए व्लॉगर है तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। लो बजट हाई बजट के लिए माइक नहीं ले सकते, तो लो बजट के माइक वाले ले सकते हैं इसको, अगर इसकी आवाज़ अच्छी आती है तो इसे ले सकते हैं भाई साहब। तो भी जज करना आवाज़ कैसी है, तो भी मैं कुछ आम तोड़ते हैं या मिलते हैं पूछते हैं, तो छोटे आम हम लेंगे अभी। तो भाई कच्चा आम की चटनी बनाएंगे खट्टी मीठी, और हमने ले लिए हैं थोड़े से आम नीचे से ही, पेड़ से नहीं तोड़े हैं, जो डले थे वो ले लिए हैं भाव ने, रंगीले भाव ने। जल्दी शूटिंग भी करेगा भाव, क्या करेगा भाई इन काम का शूटिंग इन आम से क्या करेगा, खाए जाएंगे और क्या, कैसा नमक मिर्चा से, नमक मिर्चा से मजा आता है पूरा चटनी करें पूरी, ये नमक मिर्च डाल का हाँ कैसा लगता है, पूरा मजा आता है, पूरा मजा आता है। तो भाई ये ले लिए हैं लगभग 30-40 किलो आम भाव ने चोरी कर लिए हैं। तो भी आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा, और केट का ये था पूरा रिव्यू था इसमें माइक का, तो ये भी देख लेना कैसा है कैसा नहीं। और बैटरी तो चली रही है, अभी कोई चार्ज नहीं किया है, बैटरी का भी बैकअप शायद ठीक ही होगा, समथिंग समथिंग अगर डाउन होना तो हो भी जाता अब तक। तो ये भाई साहब सचिन भाव, आप तो भाव ने हद कर रखी है बहन, ये कलर वलर मस्त झकास लग रहा है अभी। तो भी चलते हैं हम घर की तरफ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में भाई साहब, बाय बाय।